संसद भवन बैठे संसद जी वहाँ बैठे हैं पार्लियामेंट। हाँ संसद जी का सत्र चल रहा है, केवल जूता से बात होगी और कुछ नहीं होगा। अरे वो इसीलिए तो सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, इन जैसा निकलना चाहिए कुछ इसका निष्कर्ष, इन जैसा निष्कर्ष निकलना चाहिए भाई। एक सीएमओ आप अच्छी बात है लेकिन गाली गलौज करोगे। मैं सारे जूता दे मैडम जी लग रहा हूँ मैं यार, ये सीएमओ बहुत भ्रष्ट है। कुछ भी हो इतना नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब दुखी हो गए, गालियां कौन सुनेगा रोबर्ट, ये बंदा सब देख रहा हूं जी। हम बिल्कुल कतई बिल्कुल मन गरम है, भले आदमी बेचारे बहुत भले यार, पूरा आते सेवा करने वाले कैसे हैं आप लोग? हमारे अपनी है लेकिन मैम जब काम करते हैं और सब थोड़ा सा दिक्कत होती है, थोड़ा तकलीफ होती है। मैंने आपने गोद लिया है सीएससी को, आपको पब्लिक आपको बताएगी कि हाँ क्या चल रहा है। इतना मेहनत से काम करते हैं सर। सीएससी अधीक्षक अयाना के द्वारा सीएमओ औरैया पर एक आरोप लगाया कि उन्होंने फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जूते से मारने की बात कही है, क्या कहना है आपका? ये कथन पूर्णतया असत्य है, भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं जब से यहाँ जनपद में आया हूँ तब से मैंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों से, सुप्रिंटेंडेंट से और सभी कर्मचारियों से इस जनपद में अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए तीव्र गति से काम करने की अपेक्षा करी और मैं खुद भी करता हूँ। संभवतः वो लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उस गति से वो चल नहीं पा रहे हैं जिस गति से उन्हें चलना चाहिए, जिस गति से और अन्य जिले अच्छा काम कर रहे हैं। कल के प्रकरण में मैं यही कहूँगा कि अयाना क्षेत्र के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहदा, वहाँ का जब हमने भ्रमण किया तो हमने देखा कि वहाँ पर अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लिखा हुआ था, जबकि अब सबकी सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, कोई अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शब्द बचा ही नहीं है। दूसरी बात, वहाँ जो बैनर लगा हुआ था वो बैनर जो अभी हमने दिए हैं बैनर, वो बैनर नहीं था आयुष्मान मेले का। और आप देखिए कि ये वर्तमान डीएम के पहले डीएम भी चले गए श्रीवास्तव जी, उसके पहले के डीएम श्री सुनील कुमार वर्मा जी जो है वो वहाँ डीएम थे, उनके समय का बैनर वहाँ पर लगा हुआ था। उसे देख करके हमें बुरा लगा कि इतना पुराना बैनर लगा रहे हैं और नया बैनर जो हमने भिजवाया वो नहीं लगा रहे। फार्मेसिस्ट ने कहा हमें बैनर नहीं मिला पीएचसी से। फिर अंदर गए तो वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर खाली था, उसके लिए हमने निर्देश दिए फार्मेसिस्ट को कि ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा लें आप। बाहर तीन तीन फुट की कम से कम झाड़ियाँ पूरे कैंपस में फैली हुई थी, उन झाड़ियों के बीच में लोगों ने गंदगी कर रखी थी, पखाना कर रखा था और वहाँ सांप निकलने की भी संभावनाएं थी। इन सब बातों को देख करके हमारा मन बड़ा परेशान हुआ, विचलित हुआ कि जन सामान्य के लिए इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर अव्यवस्था है, ये ठीक नहीं है। तब हमने चिकित्सा अधीक्षक को फ़ोन पर बात करी, इन अव्यवस्थाओं के बारे में बताया तो वो संभवतः इन बातों से विचलित हो गए। फिर हमने उनसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ आशा आयुष्मान कार्ड कितने बने हैं? उन्होंने कहा 36 कार्ड बने हैं। लगभग 12:30 बजे का समय था, जबकि हम एक दिन पहले उन्हें बता चुके थे कि भाई आप लोग जो है सुबह के समय कार्ड जल्दी से बनवा लें, उस समय ऐप पे लोड कम रहता है, नेटवर्क वगैरह ठीक रहता है। लेकिन इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं जनपद स्तर से इन सब MOIC को समझाने का, इन्होंने उसका अनुपालन नहीं किया।
12:30 बजे तक छत्तीसगढ़। हमने पूछा आशाएं कितनी हैं, तो उन्होंने कहा 190-95 की करीब आशाएं हैं। तो हमने कहा कि 190-95 आशाएं, दो कार्ड भी अगर बनाती तो अब तक 400 कार्ड बन जाते। इन्हीं बातों को लेकर के वो अपना स्पष्टीकरण देने लगे कि ऐप नहीं चल रहा है। तो हमने कहा ऐप नहीं चल रहा है तो सहारनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, ये लोग कैसे अपना एक एक दिन में 5-5-6-6 हज़ार कार्ड बना रहे हैं। ये बात न लखनऊ वाले हमसे सुनना पसंद करते। तो मैंने भी इनको यही कहा कि आप लोग इस तरह से नहीं सुधरेंगे, मैं तो आपको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जब बात ऊपर तक जाएगी तो तब आप लोगों को उसे फेस करना पड़ेगा। मैंने उन्हें किसी प्रकार की कोई गाली या जूते मारने वाली बात मैंने नहीं कही। इस तरह की अगर कोई बात मेरे सामने कोई ला करके एविडेंस दे तो मैं इस बात को स्वीकार करूँ, मगर मुझे पता है ऐसी कोई बात मैंने ना कही है ना मैं ऐसा कहता हूँ। मैं काम करवाना चाहता हूँ, शायद इसी वजह से वो विचलित हो गए कि उनको आप कहीं सुपरिंटेंडेंट के पद से हटा ना दिया जाए, किसी विचलित होकर के वो लोग इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए खपक कर रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सरकारी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एक बुजुर्ग उन्हें अपने गमछे से दिलासा देते दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अब इस तरह मर्जी? वो वहाँ पर पूरे जनपद में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कुछ माननीयों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिससे कि वो वहाँ पर मेले की व्यवस्था में जनता को लाभ दिलवा सकें, आयुष्मान कार्ड वगैरह बना सकें। वो लोग उस समय वहाँ पर मौजूद थे जब हमारी चिकित्सक से बात हो रही थी। उसी में जब उनको लगा कि भाई ये विचलित हो गए, ये रोने लगे, तो रोने का कारण तो वो खुद ही बता पाएंगे कि वो रोने क्यों लगे, क्योंकि मैंने तो उनको कमियां सुधारने के लिए कहा और मैंने तो उनसे यही कहा कि जब आपको बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं तो आप ये कार्ड बनवाने में सक्षम क्यों नहीं हैं, आपको कार्ड बनवाने पड़ेंगे और जो कमियां हैं उन्हें सुधारना पड़ेगा। अब वो क्यों रोने लगे, ये इतनी जिम्मेदारी के पद पर, प्रभारी के पद पर बैठ करके और इस प्रकार से विचलित होना, ये कहीं तक प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी एक अधिकारी को शोभा नहीं देता है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जो जूते मारने वाली बात कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, मैंने उन्हें जूते मारने के लिए नहीं कहा, ना ही मैंने उन्हें कोई अपशब्द बोले। मैंने काम करने के लिए कहा, काम करने का प्रेशर तो हमारे ऊपर भी है। अब हम अपने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सुपरिंटेंडेंट के माध्यम से ही तो काम कराएंगे, उनको जो व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था हम उनको दे रहे हैं, वो हमसे कुछ और चाहें तो हम वो भी उनको उपलब्ध करा देंगे। परंतु इस प्रकार से स्थानीय नेताओं का, पत्रकारों का इस तरीके से, मैं तो यही कहूँगा कि वो उनको इस तरीके से उनका एक मिसयूज़ कर रहे हैं। तो वो उन लोगों को जब धीरे धीरे बातें स्पष्ट हो रही हैं तो वो भी धीरे धीरे मेरी बातों से सहमत हो रहे हैं, उनको इस बात का पता लग रहा है कि वास्तविकता ये है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद में जन सेवाओं को अच्छी तरह से देना चाहते हैं और उसके लिए काम कराना चाहते हैं। इन्हीं बातों की वजह से ये शायद विचलित है।